वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आई होप आप बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। तो मेरी तैयारी सब हो चुकी है, नहा धो के नहा भी लिया है और मैंने पूजा भी कर ली है। ये मैंने जो करवा माता की पूजा लगाते हैं वो यहाँ पर लगाई है और ऊपर ही हमारा मंदिर है। तो अभी तो सब कुछ हो चुका है, मेरे को सुबह से टाइम भी नहीं लगा ब्लॉग बनाने का। और मेरा बेटा तो बिल्कुल ही परेशान कर रहा है मेरे को, अपनी दादी के साथ बिल्कुल रह नहीं रहा है। तो मेहंदी कल रात ही लगा ली थी। तो मिलते हूँ आपको, अभी शाम को मिलती हूँ आप सीधे जब पूजा करेंगे। और वो जो 4 बजे हम किताब पढ़ना है ना, वो हमने किसी के मैंने मतलब किसी के घर पढ़ना है, मेरा फ्रेंड है उसके साथ पढ़ना है, साथ में अच्छा होता है ना। तो उसके वहाँ जाना है शाम को, तो फिर मिलते हैं फिर शाम को। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ देवरानी जी के घर पे पूजा करने के लिए और कथा हमने पढ़ ली। कथा हमारी ननद ने पढ़ी जो कैमरे के पीछे है और यह है देवरानी जी मनीषा। और अभी हमारी कथा तो पढ़ ली हमने, आप सूर्य को अर्घ देंगे। यहाँ पर हमारे ताई जी लोग बैठे हुए हैं। फोकस करो कैमरामैन, फोकस करो। स्माइल प्लीज। ये दोनों सास हैं, उन दोनों की। तो अब हो चुकी है रात और अब मैं खाना बना रही हूँ। सब्जी मैंने बना दिया है, मतलब गैस में चढ़ा रखी है और अभी पूरी बनानी है और छोले पूरी बना रही हूँ आज। और थोड़ा सा रोटी भी बनाऊंगी क्योंकि पूरी खा के गैस भी हो जाती है ना आजकल, कोई खाता नहीं है। मेरे सास ससुर भी, इनको गैस हो जाती है और मम्मी भी आ रखी है, तो मम्मी भी पूरी देनी नहीं है, मम्मी को भी गैस हो जाती है। तो फिर रोटी भी बनाऊंगी। गोठ में बहुत धुआं हो रखा है तो मैं बाहर आ रखी अभी ब्लॉग बनाने के लिए, वो बिल्कुल खड़ा हुआ ही नहीं जा रहा है, धुआँ लग रहा है। तो चाँद तो अभी आया नहीं, अभी 7 बज रहे, 7 भी नहीं बजे, अभी 6:30 हो रहे हैं। तो चांद अभी आया नहीं, तब तक खाना बना लेते हैं, फिर चांद का वेट करते हैं, तो फिर अपना व्रत तोड़ेंगे। तब तक आप बने रहना मेरे ब्लॉग में। खास आ गए आते आते दोनों
दोनों के दिल पास आ गए।